श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज मैं पहली बार एक यंत्र बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक यंत्र को बनाया जाता है और फिर कैसे उसका उपयोग किया जाता है। जो यंत्र है उसको सम्मोहन यंत्र बोलते हैं। सम्मोहन के अलावा इसको वशीकरण यंत्र भी बोलते हैं। और इस यंत्र को बनाने के बाद इसको ताबीज़ के रूप में धारण किया जाता है, चाहे तो आपके गले में या फिर अगर दाहिने हाथ में पुरुषों के और महिलाओं के बाएं हाथ में। इसका प्रयोग क्या है? इसका प्रयोग है कि अगर किसी प्रेमी युगल में मतभेद हो जाए, पति पत्नी में मतभेद हो जाए, ऐसी स्थिति में इस यंत्र को बना करके अगर आप पहना देते हैं तो उन दोनों के बीच का जो भी एनर्जी डिफरेंसेस है वो ठीक हो जाएगा। ऐसे लोग मोहिनी और सम्मोहन जो है के लिए हवन करते हैं, लेकिन अगर हवन के साथ इस यंत्र को दिया जाए तो प्रभाव दुगना होगा। बहुत बार हवन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है इस यंत्र को देने के बाद। देखो, एक बात फिर समझ लो, सम्मोहन करने से या वशीकरण करने से कोई आपका नौकर नहीं हो जाता। जो ऐसा लगता है लोगों को कि अगर वशीकरण का तंत्र कर दिया है तो उठ तो बैठ वाला हिसाब होता है, ऐसा नहीं होता है। बस इतना होता है कि दोनों में मधुर संबंध आ जाता है। ये मंत्र जाप से भी होता है। काली का एक विधान मैंने आप लोगों को बताया था 5 दिन का, जिसमें कि मोहिनी होता है, सम्मोहन होता है। मोहिनी, मैंने गलत शब्द का प्रयोग कर दिया, मोहिनी मैंने पहले भी बताया, मोहिनी एक पूर्ण तंत्र है। जैसे उच्चिष्ट गणपति साधना में मोहिनी तंत्र का प्रयोग होता है, मतलब उच्चिष्ट गणपति साधना अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप मोहिनी चला सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल विधान होते हैं, जो नॉर्मल मंत्र से जो मोहिनियाँ होती हैं, उनको मोहिनी कहना ही गलत है, उनको वशीकरण बोल सकते हैं आप या फिर सम्मोहन बोल सकते हैं। और वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि सम्मोहन या वशीकरण का मतलब होता है कि व्यक्ति आपसे मोहित रहेगा, आपसे लड़ाई नहीं करेगा। और मोहिनी जब तंत्र चलता है तो फिर इतना मोहित रहता है कि आप जो बोलते हैं वही करता है। शब्द अलग अलग है और मतलब दोनों का विपरीत है, ठीक है। तो मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण, ये तो मोहन, मोहन जो 5 सबसे ऊंचे कर्म आते हैं उसमें एक मोहन तंत्र होता है। अब आ जाते हैं अपने विधान पर। अपने विधान का अभी मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको इस यंत्र को बनाना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी यंत्र बनाते हैं तो उसको एक अच्छे काल में बनाना चाहिए, मतलब कि राहु काल ना हो, उस दिन का मुहूर्त सही होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और देखना चाहिए कि उस कालखंड में जिस जातक के लिए आप यंत्र बना रहे हैं उसका समय कैसा चल रहा है, उसका होरा देख लेना चाहिए और उसके बाद यंत्र का रचना करना चाहिए। ये 2-3 बातें हैं। अगर नहीं जानते हैं तो ब्लाइंडली भी करिए एज अ स्टार्टर, तो भी इसका असर होता है। लेकिन अगर इन सब बातों का ध्यान रखिएगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। फिर से मैं बता दूँ, इसको अगर आप लोग बना के पहनते हैं तो तंत्र के अलावा आपको बेनिफिट होगा, सिर्फ इसको पहनने से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये यंत्र हर उस कपल को दिया जा सकता है जिनके बीच में मनमुटाव रहता हो या फिर लड़ाई झगड़ा होता रहता हो। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इस यंत्र को बनाना है। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो यंत्र जिससे मोहिनी होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या क्या सामग्रियों की आवश्यकता है। एक तो सफेद कागज ले लीजिएगा, ठीक है। एक आप पानी का ग्लास ले लीजिएगा, एक कलम लाल, एक ताबीज, ठीक। और साथ में ये जड़ लगेगा। देखो मैं आपको एक जड़ दिखाता हूं, इसको नॉर्वेल कहते हैं, ठीक है। तो इस यंत्र को बनाते कैसे हैं? सबसे पहले कागज ले लिया, इसमें 9 खाने बनाएंगे हम। ठीक है।
ऐसे हमने इसमें 9 खाने बना लिए। ठीक, जो सबसे ऊपर वाला खाना है उसमें हम लिखेंगे 8, उसके बगल में 1, उसके बगल में 6, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 4, फिर 9 और फिर 2। ठीक है, तो ये आपका आकर्षण यंत्र का जो है रूपरेखा तैयार हो गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो महिला है उसका नाम 8 वाले स्थान पर लिखेंगे, यहां पर इस घर में आप महिला का नाम लिखेंगे, और जो पुरुष हैं उनका नाम ये 2 वाले घर में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रयोग होगा इत्र का। तो इस पूरे यंत्र पे इसके बाद आप एक इत्र आता है उसको शाही दरबार इत्र कहते हैं, शाही दरबार इत्र आप इस पर पूरा लगा लीजिएगा। इस तरीके से इत्र इस पर आपको लगाना है। ठीक है, ये इत्र लगाने के बाद काम शुरू होगा नॉर्वेल का। नॉर्वेल ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, देखो। ठीक है, ये है नॉर्वेल, और 2 नॉर्वल हम लोग ले लेंगे जो कि प्रतीक होगा उस महिला का और उस पुरुष का। ठीक है, इसको पानी में डुबा देंगे ऐसे दोनों को, इसको भी आप पानी में डुबा दीजिए, और उसके बाद 8 वाले घर से 1 नॉर्वल रखिएगा ऐसे, छूट नहीं रहा है, और दूसरा जो है जिसको भिंगाया था उसको यहां रखेंगे। ठीक है, और फिर इंतजार करना है कि ये घूमकर एक दूसरे में, आप देख रहे हैं कि दोनों घूमकर मिल रहे हैं, तो ये देखिए दोनों आके मिल गए एक स्थान पर। जैसे मिल जाएंगे तो इसको पुड़िया बना लेना है ऐसे, जैसे ताबीज का पुड़िया बनता है वो बना लेंगे हम। ठीक है, और इसको बिल्कुल ही फोल्ड करके और ऐसा एक ताबीज रखेंगे, ऐसा एक ताबीज रखेंगे चांदी का। ठीक है, इसमें इस यंत्र को डालेंगे और फिर जो भी व्यक्ति हैं उसको ये यंत्र दे देंगे। लेकिन देने से पहले देखो, ये यंत्र जो है सिर्फ रविवार को दिया जा सकता है, और रविवार को देने से पहले उस व्यक्ति को एक मंत्र बताना है। मंत्र क्या है, जो भी व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो जिस पर भी इसका प्रयोग करना चाहता है तो वो बोलेगा 1000 जाप करना है उसको सूर्य के किरण के नीचे ओम, उसके बाद जिस भी व्यक्ति पर हम मोहिनी कर रहे हैं उसका नाम मम आकर्षाय नमः। ठीक है, इसका 1000 जाप सूर्य के किरण के नीचे, इसको रविवार को आप दीजिएगा, उसको बोलिएगा सोम और मंगल को 1000 जाप करने, इसको हाथ में लेकर के उसके बाद इस पर फूंक मारेंगे और फिर इसको धारण करेंगे। मतलब रविवार को आपने दिया, उसने सोमवार मंगल को जाप किया 1000, इस पर फूंक मारा और उसके बाद इसको धारण कर लिया। ऐसा करने से जो भी व्यक्ति जिसके ऊपर जिसका नाम लिखा हुआ इस ताबीज में, वो दोनों एक दूसरे से आकर्षित रहेंगे। इस यंत्र को देते टाइम 2-3 चीजों का ध्यान रखें कि गलत उपयोग के लिए इस मंत्र को ना दें। मतलब आपको अगर पता है कि कोई गलत तरीके से किसी को पे प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है तो वो इस यंत्र के लिए अधिकृत ना है, और आप अगर देंगे तो आपके तंत्र की हानि होगी। कभी कभार इमरजेंसी केसेस में अगर जैसे किसी के ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, बॉस और उसके एम्प्लॉयज़ में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ इस तरीके बिजनेस पार्टनर में अगर प्रॉब्लम है, तो दोनों खानों में आप मर्द पुरुष के बदले उन दोनों लोगों का नाम लिखेगा। ऊपर में 8 नंबर पे उसका नाम लिखेगा जिसको सम्मोहित करना है, और नीचे में जैसे बॉस है तो बॉस का नाम ऊपर, और नीचे जो है
जो इम्प्लॉय है उसका नाम आप लिखिएगा। इतना लिखने के बाद उस यंत्र को इसी विधान से फिर दे देना है, और अगर वो पहन लेगा जातक तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे और भी यंत्र और तंत्रों के बारे में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल कुछ कुछ विषय पर अब प्रकाश डालूंगा। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, 9431188585 नंबर है। जिसको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है, मेरा वेबसाइट है www.agotatras.xyz, उस पर जाकर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट कॉल करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें rudranath@cm4 सर्च कीजिएगा तो मेरा प्रोफाइल दिखेगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आज के लिए आप सभी को आदेश आदेश अदा खादेश।